आज के टाइम में वैसे ही सबको इतने सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, और ऐसे में लोग जो हैं वो हेल्दी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ हेल्दी बनाएं। तो ऐसे में मैं आज एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं लाई हूँ रागी के आटे का हलवा। रागी जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, एंड ये जो है हमारी इम्यूनिटी को भी काफ़ी बूस्ट करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल गृहिणी अमेजिंग किचन में। आज हम बनाएंगे रागी के आटे का हलवा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नई नई रेसिपीज आगे भी सीखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रागी के आटे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसमें हम एक कटोरी घी डालेंगे। जब घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसमें एक कटोरी रागी का आटा डालेंगे। और इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे। याद रहे कि जब हम इसको भून रहे हों तब हमारी जो गैस जो है वो लो फ्लेम पे हो, नहीं तो हमारा जो रागी का आटा है वो जल सकता है। तो इसलिए लो फ्लेम कर ही हम उसे भुनेंगे। तो अब हम इसको 5 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे, जब तक इसमें से जो है एक अच्छी सी सिक जाने वाली जो फ्रेग्रेंस होती है वो ना आ जाए। सिक जाने वाली, जैसे ही खुशबू उसमें से आने लगे आप समझ जाइए कि आपका आटा जो है वो भुन गया है। अब जो है वो 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा जो है वो अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। उसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। उसको हम धीमी आंच पे जो है वो 5 मिनट ढक्कन लगाकर इसको हम पकने देंगे। जब हम इसको 5 मिनट तक ढक्कन लगा के पकाएंगे, रागी जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, बहुत हेल्दी होती है बॉडी के लिए। तो वैसे भी आज के टाइम पर जो है इतने हेल्थ इश्यूज हैं और हम कुछ ना कुछ हेल्दी खाना पसंद करते हैं, तो ऐसे में रागी का हलवा जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है। इसे ज़रूर ट्राई करिए, ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देता है और आपको हेल्दी रखता है। तो इसको हम 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट अब हो चुके हैं, अब हम जो है ढक्कन हटा देते हैं और एक बार हम हलवे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें शुगर मिलाएंगे। अगर आप शुगर खाना प्रेफर ना करें तो आप इसमें गुड़ भी मिला सकते हैं, नहीं तो आप जो है खजूर को अच्छे से पीस के उसका पेस्ट भी इसमें मिला सकते हैं। तो मैं इसमें शुगर मिला रही हूँ 1 कटोरी। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब शुगर डालने के बाद और मिक्स करने के बाद हम एक बार फिर जो है इसको 5 मिनट के लिए हम ढककर इसको धीमी आंच पे पकने देंगे। तो ये लीजिए, ये 5 मिनट के लिए और ढक देते हैं ताकि जो शुगर हमने इसमें डाली है वो अपने आप धीरे धीरे मेल्ट हो और हलवे को और ज़्यादा वो सॉफ्टनेस देगी। तो 5 मिनट के बाद अब हम देखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम जो है देखते हैं हमारी चीनी पिघली कि नहीं पिघली। चीनी हमारी जो है वो अच्छे से पिघल चुकी है। तो अब हम एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर जो है एक अच्छी सी फ्रेगनेंस और एक अच्छा सा फ्लेवर देगा हमारे हलवे को। और इलायची पाउडर के साथ हम मिलाएंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को जो है वो मैंने थोड़ा कट कर लिया है, तो हम थोड़ा ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। और अब इसको हम एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने जो है हलवे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 2 मिनट और पकाएंगे ताकि जो हमने इलायची पाउडर डाला है वो इसमें अच्छे से अपना फ्लेवर छोड़ सके और जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो हम इसको 2 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद हमारा जो रागी आटे का हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब जो है वो 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा जो है वो रागी आटे का हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि देखिए आटे ने जो है वो घी छोड़ दिया है, इसका मतलब हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और अगर आपको गरम खाना पसंद है तो गरम गरम सर्व करिए, और अगर आप इसको थोड़ा ठंडा करके खाना चाहें तो ठंडा करके खाइए। जैसा आपको जी करे आप उस तरह से इसे खा सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से जो है वो रागी आटे का हलवा हमने बना लिया। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नई नई अच्छी अच्छी हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ जो हैं वो सीखने को मिल सकें और नए नए किचन टिप्स सीखने को मिल सकें। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, आप भी ट्राई करिए और मुझे ज़रूर से लाइक करिए। तो अगली बार फिर हाज़िर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।